Travel leaves you speechless. Then turns you into a storyteller. Hello friends, welcome to Poonima's World. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो चलिए चलते हैं एक सफर पे और इस सफर की मंजिल है आंध्र प्रदेश का गुंटकल. तो हमने इस सफर की शुरुआत बड़ी पॉजिटिविटी के साथ किया. चीज़ों को देखना, उनकी खूबसूरती को एब्जॉर्ब करना, इन सब चीज़ों के साथ हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी. इस मस्ती को देखकर आप समझ ही सकते होंगे कि इस छोटी सी जर्नी को मेरे बच्चे ने कितना एंजॉय किया. इनके चेहरे की हंसी आपको सब कुछ बता देगी. और ऐसे ही छुक छुक रेलगाड़ी चल पड़ी. इन अनजान स्टेशंस को देखकर दिमाग में आता है कि न जाने कितने लोगों ने इस रास्ते से अपना सफर शुरू किया होगा और न जाने कहाँ खत्म किया होगा. कभी कभी चुप रहना और चुप रहकर चीजों को महसूस करना अच्छा लगता है. गुड मॉर्निंग गुंटकल. हमारे दिन की शुरुआत होती है एक छोटे से रोड ट्रिप से. एक्चुअली सैटरडे संडे को हर जगह लॉकडाउन होता है, तो हमने अपनी गाड़ी उठाई और हम निकल पड़े रोड ट्रिप पे. रास्ते से गुजरना ही उस जगह को, किसी भी जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है. तो हम निकल गए. मौसम बहुत ही अच्छा था, वहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट था. तो हम लोग बस रास्ते से चलते गए और रास्ते में जो जो आता गया उनको देख देख कर खुश होते गए. वहाँ पर बहुत ही अच्छे टेंपल्स हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल प्लेसेस हैं जिनकी बहुत वैल्यू है हमारे पुराणों में. बट लॉकडाउन होने के कारण हम हर जगह जा नहीं पाए. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ रोड ट्रिप करेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे जियोग्राफिकल चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं. ये जो गेट आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही फेमस मंदिर का गेट है. यह मंदिर बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है. लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं. फिर इसी रोड ट्रिप पे हम आगे बढ़ के एक छोटी सी पहाड़ी पे गए जहाँ पर बहुत ही अलग टाइप का वेजिटेशन था. ये जो सीन आपके सामने चल रहा है, यहाँ पर मेरी बेटी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका भाई कहीं भाग जाएगा, तो उसको रोक रही है और उसको जाने नहीं दे रही है. आप देख सकते हो वो भागने के लिए पूरा तैयार है, वो बस मौका ढूंढ रहा है कि कब कहाँ से निकले. इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के प्लांट्स थे जो बहुत ही खूबसूरत थे. और मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को मदर नेचर के गोद में छोड़ दिया, उन्हें खेलने दिया. क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, मैंने उन्हें पत्थरों के बीच, घास, प्लांट, हर चीज़ के बीच में छोड़ दिया और उनको बस खेलने दिया. उन लोगों ने बहुत मज़ा किया. शाम होते ही हम एक पार्क गए जहाँ पर मेरे बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की. उन्होंने झूले झूले
और बहुत मस्ती करी। फिर इस पार्क से निकलकर हमने गुंटिकल की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर किया। छोटी जगह पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट एक पीस होता है जो काफ़ी सुकून भरा होता है। सो अब दूसरा दिन था, हमने दोबारा से डिसाइड किया कि हम रोड ट्रिप पर ही जाएंगे। एक्चुअली जो सूरज था वो बादलों के बीच छुप रहा था, निकल रहा था, तो हमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हुई। हमने रास्ते में फिर बहुत सारे मंदिर देखे और वहाँ पर जो चट्टान थी रोड के दोनों तरफ थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली जब हम शहर में रहते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लिए नहीं मिलती है, और शायद धीरे धीरे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि उनके आसपास क्या था क्या है। तो मुझे लगा कि उनको चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने आसपास की चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रिप बहुत हेल्पफुल था। आप आगे देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बच्चा जो है इसने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। मैंने उसे एक फूल दे दिया था जिसने थ्रू आउट दिस रोड ट्रिप इसने इसे पकड़ के रखा था। मेरे बच्चों ने नहर देखा, छोटे छोटे तालाब देखे और वो बहुत खुश हो रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने पहली बार देखी, जैसे बैलगाड़ी। ये चीज़ें सिर्फ किताबों में ही देखा और टीवी में देखा, उन्होंने रियल में कभी नहीं देखा था, तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। रास्ते में हमें एक चने का खेत मिला और वो एंडलेस था, बेहद बड़ा। तो हमने सोचा कि क्यों ना ताजे चने का स्वाद लिया जाए, और हम लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जो रास्ते में पेड़ पौधे सब थे वो देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर आगे बढ़ गए और रास्ते में हमने बाजरे का खेत, अरहर के खेत, बहुत सारे खेत देखे। और हमें रास्ते में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स भी मिले। फिर हमें मिला रास्ते में एक झरबेरी का पेड़। हमने गाड़ी रोकी और अपने हाथों से तोड़ के झरबेरी खाया। अलग एक्सपीरियंस होता है जब कोई चीज़ जो आपको पता है और आपके बच्चों को उसका बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, ये वो दिखाना। स्टॉप था एक छोटी सी पहाड़ी जहाँ पर बारिश का पानी रुका हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह थी। हमने सोचा कि हम यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ी सी स्नैकिंग करेंगे और बच्चों के लिए वो छोटा सा पिकनिक हो जाएगा। उसी स्पॉट के बगल में हमें बहुत बड़ा कॉटन फील्ड दिखा, तो हमने सोचा कि चलो भाई ये भी देख लिया जाए। हमारे साथ साथ कुछ विंड मिल्स चल रहे थे। तभी हमें एक पॉन्ड के पास कुछ साइबेरियन बर्ड्स दिखे जो हर साल माइग्रेशन करके इंडिया आते हैं।
एक इमली का बहुत ही यूनिक पेड़ मिला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इमली इतनी नीचे थी, सारी लटक रही थी, जो हम हाथ से तोड़ सकते थे। मैंने इसका पूरा फायदा उठाया और बहुत सारी इमली तोड़ी। और हमें रास्ते में कुछ ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा। और इसी तरह हमारे रोड ट्रिप का अंत भी आ गया और देखते देखते शाम हो गई और अब टाइम था घर वापस जाने का। अगर आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। Thanks for watching!